राजी एंड सुशी इज आवर डॉटर एंड उसके बाद कर हमारा बेटा जिसकी प्ले बाय दुबे तो ये हमारे बच्चे हैं और अच्छा था ये हमारे जो बच्चे हैं गिरीश और ये बड़े बच्चे हैं समर गिरीश इज प्ले बाय परांश समर इज प्ले बाय आना ये थैंक यू सर जितनी भी एनर्जीज होती हैं जो फील आता है वो तो बहुत अमेजिंग है और उतना ही बहुत अच्छे से हवन हुआ और मैं तो फर्स्ट टाइम अभी आया हूँ आज सेट पे मैंने देखा आई लव्ड इट और सब हैं यहाँ पे पूरी टीम है और बहुत अच्छे से पंडित जी ने पूजा कराई है हवन हुआ है तो स्टार्ट ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी ऑस्पिशियस अच्छी स्टार्ट हुई है सेम थिंग हर शुभ शुरुआत हर शुभ काम को शुरू करने के लिए हम अपने अपने भगवान से प्रार्थना मांगते हैं या उनका आशीर्वाद मांगते हैं कि ये जो नया काम हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें हमें हिम्मत दे हमें ताकत दे पॉजिटिविटी दे ताकि हम इस काम को बहुत अच्छे से कर सकें और सक्सेसफुली ख़त्म कर सकें तो आज ऑफकोर्स ये हवन बहुत ज़रूरी था एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ये हवन हुआ आज हमारा पहला दिन है इस सेट पर तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं मैंने इस सेट को नया सेट है सीज़न 2 का सेट है ये सेट जब बन रहा था तब भी मैंने आकर देखा था और आज तो एकदम अलग ही है रियली एक्साइटेड ऑफकोर्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग सॉरी वन सेकेंड विजय राजन सर के साथ वैसे हम मतलब मैं थोड़ा पहले भी हम एक शो बना रहे थे कर रहे थे तो मैं ऑलरेडी टीम से काफ़ी फैमिलियर हूँ राजन सर से मैं मिल चुका हूँ और एक वो हमने साथ में काम किया तो ऑलरेडी पता है कि हाँ कैसा है तो बहुत एनीवे उस पर तो मैं कुछ कह ही सकता हूँ तो बहुत अमेजिंग टीम है और जब मुझे पता चला था कि इसमें ऑब्वियसली डायरेक्टर्स कट की तरफ से है राजन सर कर रहे हैं तो फिर पता था कि इट्स गोइंग टू बी रियली रियली गुड क्योंकि वो हमने देखा है एक्सपीरियंस किया है टीम जिस तरीके से काम करती है जितनी फोकस्ड है और तो वो सब शो के फेवर में जाने वाला है तो ऑब्वियसली राजन सर का जो इन्वॉल्वमेंट है और जो अभी इस बार क्योंकि वो भी हैं शो के अंदर तो ऑब्वियसली इट्स अमेजिंग डायरेक्टर्स कट हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ दोज प्रोडक्शन हाउसेज जिसके साथ हर एक्टर काम करना चाहता है एंड आई हैव नोन राजन सर सिंस लॉन्ग टाइम इन फैक्ट एवर सिंस प्रतिज्ञा स्टार्टेड और उस प्रतिज्ञा के बाद भी हमने काफ़ी आई हैव मेट राजन सर फॉर अ शो वंस और ट्वाइस और उस वक्त शायद कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया उसका रीज़न था कि ये वर्कआउट हो गया एंड ऑफकोर्स आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट आई गेट टू वर्क विथ ऑन अ शो विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई डायरेक्टर्स कट एंड ऑफकोर्स रिटन बाई पॉल तो दिस इज़ अ इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड है कोई भी हम सीन करते हैं कुछ ऑब्वियसली मैंने कहा क्योंकि टीम सेम है
तो ऐसे लग रहा है कि वापस वही घर, वही वही पुरानी हर चीज़ सब कुछ है, तो हर चीज़ कुछ ना कुछ एक एक कुछ ना कुछ मेमोरी को स्ट्राइक करती है, तो याद आता है, याद आता है वो डेजा वो मोमेंट्स होते हैं जो हम कहते हैं कि एक फुल सर्कल हुआ है, तो वो सब तो आई गेस अभी तो हमने बहुत कम ही सीन्स शूट किए हैं, लेकिन उसमें भी हमने काफ़ी सारी ऐसे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं ऑलरेडी, आगे तो आई एम श्योर बहुत कुछ होने वाला है और बहुत सारी जो पुरानी मेमोरीज हैं वो सब बाहर निकल के आएंगी अभी। या श्योर, एज आई सेड व्हेन आई स्टार्टेड द शो आई वाज 18 इयर्स ओल्ड एंड यू नो दोज वर माय इम्प्रेशनेबल इयर्स एंड इनफैक्ट ये शो आई एम वेरी फॉर्चुनेट के मुझे ये शो उस वक्त मिला और एक ऐसा शो मिला जिसका बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है मुझ पर पर्सनली एंड जिस तरीके से मैं सोचती थी और आज भी सोचती हूँ तो मेरी सोच भी डेवलप हुई है और स्ट्रेंथन हुई है जिस तरीके से भी मैं सोचती थी। तो ऑफकोर्स प्रतिज्ञा जिस कैरेक्टर को आपने जिया हो जिस कैरेक्टर को आपने बनाया हो तो आपकी रगों में होता ही है, आज भी है और इनफैक्ट जैसे अरहान ने कहा जब भी हम शूट करते हैं ऐसा लगता ही नहीं है कि इतने साल हो गए हैं, ऐसा लगता है कि अभी पिछले साल या मतलब अभी कुछ ही महीनों पहले ही बंद हुआ है, लॉकडाउन से पहले बंद हुआ है हम सब के लिए जब पहले हम बीच में मॉक शूट के लिए मिले थे तब उस दिन सब यही डिस्कस कर रहे थे ऐसा लगता ही नहीं इतने साल हुए हैं और ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट हो रही है चीज़ें, वही चीज़ मसल मेमोरी है, आई लाइक टू कॉल इट मसल मेमोरी, तो वही चीज़ है। एंड ऑफकोर्स प्रतिज्ञा की एक सबसे अच्छी बात इस शो की ये रही है कि येस ऑफकोर्स इट फोकसेज ऑन सोशल इशूज़ बट इट इज़ ऑलवेज वेरी रेलिवेंट, इट इज़ रेलिवेंट विद द टाइम्स, उस वक्त जो रेलिवेंट था उन इशूज़ को हमने हाईलाइट किया था, आई थिंक इस बार भी जो आप देखेंगे इट्स वेरी रेलिवेंट विद वॉट इज़ हैपनिंग इन आर सोसाइटी। एंड ऑफकोर्स प्रतिज्ञा का कैरेक्टर भी उस हर कैरेक्टर उस हिसाब से ही बढ़ा है एंड आई गेट टू लर्न अ लॉट मोर नाउ, प्रतिज्ञा इज़ अ मदर सो शी इज़ अ मदर अ वाइफ अ डॉटर सब कुछ है, सो आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू एवरी सिंगल डे। I think it's great to be your own competition. Yeah. We are competing quite literally with ourselves and that's I think fabulous. आगे से इतने सालों से फैंस हमको कहते हुए आ रहे हैं कि प्रतिज्ञा टू लेके आ जाइए, प्रतिज्ञा टू लेके आ जाइए, बहुत ही इनोसेंस के और उसके साथ वो हमें बोलते हैं, तो और फाइनली अब जब आ रहा है तो ऑलरेडी हम जो रिस्पॉन्स है फैंस का जो इतने सालों से वेट कर रहे थे वो हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं और बहुत अमेजिंग है और अब तो फैंस के लिए आई थिंक ऑलरेडी गुड न्यूज़ है, हम भी शो स्टार्ट कर चुके हैं एंड आई कैन सी दे आर रियली वेरी एक्साइटेड, तो वो फैंस सीजन वन से हैं, डे वन से जुड़े हुए हैं, सो आई वुड जस्ट से थैंक्स टू ऑल ऑफ देम और मैं बस ये कहूँगा कि हम कहेंगे कि जुड़े ही रहें ऐसे ही और जैसी स्टोरी को उन्होंने अभी तक देखा है बस ये समझ लें कि विंडो वापस से ओपन हो रही है, वो उस फैमिली को फिर से देख सकते हैं कि अब आगे क्या हुआ है आफ्टर 8-9 ईयर्स व्हाट्स गोइंग ऑन इन द फैमिली, सो नाउ दे कैन सी दैट। या फ्रॉम 15th मार्च ऑन स्टार भारत मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM मन की आवाज़ प्रतिज्ञा सीजन 2। थैंक यू सो मच। या Okay, first of all, sir, congratulations on season 2. I'm very excited about this show. It's a very, very well-written show and the dialogues and everything is special. Part 1, season 1 was really good and became so popular. So it's been a long break, but then we have to wait for good things. You have to wait in life. You have to be patient. So season 2 has come and whatever I've shot up till now, I feel it's going to be fantastic. It's going to be special because each and every dialogue, each and every scene has been written with patience and holding each and every character, not just random, general. So I'm really excited, very excited. काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है जी, बाहुबली जी हाँ, तो बताना चाहेंगे
जी हाँ, मैं हरियाणा का एक बाहुबली प्ले कर रहा हूँ इसमें, जिसके साथ ये लोग कुछ गलती से कुछ कर लेते हैं और नाउ ही वांट्स ब्लड, बलवंत त्यागी वांट्स ब्लड. So he and his family are going to come and trying to destroy this entire family, because what they've done is as bad. So I can't reveal what it is, but it's going to be a full on war between these two families. Look, बहुत interesting है. I'm wearing a pagdi sometimes with a safari suit, sometimes with a pathani. So he's very very hard guy. I mean, the minute you see him, you know, he means business and you can't mess with him. So jis prakar se likha gaya hai role, I'm very very happy to be a part of this, because you don't get a chance to play, you know, something special and different in television very often. Okay, lastly, anything you want to say to all the fans? All the fans, I love you all. You know, y'all have been with me for now 41 years, always loving me and giving me your blessings. So keep on doing the same, and I'll, till my end of days, I'll keep on entertaining you and looking for your love. Thank you. Thank you so much. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर सीजन 2. कितनी एक्साइटमेंट है, और जब टेलीकास्ट होगा तो क्या कुछ चाहते हैं कि जनता से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है सीज़न 2 को लेके, बिकॉज सीज़न 1 को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत एक्साइटमेंट और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. तो हम इस बार भी वही उम्मीद कर रहे हैं. 15 मार्च का जितना हम वेट कर रहे हैं, उतना आप भी वेट करिए. जैसे कि इन्होंने कहा कि 15 मार्च रात 8:30 बजे आप लोग बिल्कुल अपने टीवी से जुड़े रहिए, और जितनी एक्साइटमेंट हमें है पहला एपिसोड देखने की, प्लीज़ आप भी वही रखिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया ये शो और डिज़र्व करता है ये, वो चाहिए. वेल, सीज़न 1 में बहुत ही गाली गलौज, मार धाड़, हाँ, मारना पीटना बहुत था. इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हमारी एक बहुत लाइट सी एक लव स्टोरी एस्टैब्लिश कर रहे हैं शो में, जो कि एक नया फ्रेश एंगल आएगा ऑडियंसिस के लिए. थोड़ी एक यू नो मार धाड़ से थोड़ी सी राहत आँखों को देने के लिए शायद, तो वो देखने को मिलेगा उन्हें नया. आपके किरदार के बारे में जाएंगे, इनके किरदार के बारे में तो ऑलरेडी लोग जानते हैं, आप बता दीजिए कि क्या कुछ किरदार आप प्ले करने वाले, क्या कुछ तड़का आप लेकर आने वाले हैं? तड़का ये है कि आदर्श जो लड़का है, ये एक जो पिछला आदर्श है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अलग ही लड़का है. नाम आदर्श है और इनसे प्यार कर बैठता है वो. इनके बारे में कुछ नहीं मालूम उसको कि ये कौन है, कहाँ से आई है, क्या बैकग्राउंड है, क्या फैमिली है, कुछ नहीं पता. धंधा दूध का करता है, लेकिन दिल एकदम मलाई और मक्खन जैसा है उसका. और जैसा कि इन्होंने कहा कि बिल्कुल ही जो प्रतिज्ञा शो है, जो गोलियां, मारपीट, लड़ाइयां, इन सब से इसे थोड़ा सा फ्रेशनेस लाने के लिए एक लव स्टोरी को लाया गया जो कि हमारी है. तो जितने एक्साइटेड हम हैं, आई होप कि आप भी उसी एक्साइटमेंट से देखें. चैलेंजेस तो हर कैरेक्टर में अपना होता है, एक यूनिक चैलेंज होता ही है. इसमें यह है कि जो लैंग्वेज है इलाहाबादी, एक तो वो हो गया, दूसरा जिससे प्यार कर बैठता है वो नॉर्मल लड़की नहीं है. मतलब वो एक जैसे कि कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ, वैसा नहीं है. तो यही चैलेंजेस है जो मज़ा आता है करने में. तो पंद्रह मार्च रात 8:30 बजे स्टार भारत पे ज़रूर देखिएगा प्रतिज्ञा 2, क्योंकि बहुत मेहनत की हम लोगों ने, बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है और एग्जीक्यूट भी वैसा किया गया है. तो प्लीज़ जाके देखिए. हम बस यही कहना चाहते हैं कि अगर 15 मार्च 8:30 बजे स्टार भारत पे प्रतिज्ञा 2 नहीं देखे ना, तो कंटाप मारेंगे कान के नीचे. देखिएगा जरूर. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक मुझे सिंगल भी जाना नहीं था. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर प्रतिज्ञा सीजन 2. थैंक यू सो मच. जनता को तो बहुत एक्साइटमेंट है
सीजन टू का, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आप लोग कितना एक्साइटमेंट है टेलीकास्ट के दिन के लिए? अरे जनता का एक्साइटमेंट देख कर ही अपना एक्साइटमेंट दुगना हो रहा है, तो दैट इज द की। जनता इतनी एक्साइटेड है उससे ही तो हम हैं, वरना तो कोई मतलब नहीं था इसका दोबारा आने का। वो एक्साइटमेंट बना रहे और वो एक्साइटमेंट और बढ़े, बस यही कोशिश और दुआ है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं ऑब्वियसली, सबसे ज़्यादा ऑडियंस का प्यार देख के, हमारे फ़ैन का प्यार देख के एक्साइटमेंट की तो कोई सीमा है नहीं। बहुत ज़्यादा खुश भी है हम, एक्साइटेड भी है, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को सीज़न टू भी बहुत पसंद आए। वेरी नाइस, ग्रेट इन फैक्ट। और मेकर्स ने मुझ पर इतने अच्छे रोल के लिए और इतने बड़े शो के लिए विश्वास जताया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि वो जो विश्वास है वो सही कगार पे मैं उतरूँ। ओके, लाइक प्रतिज्ञा 1 वाज ऑलरेडी अ सुपर डुपर हिट, तो 2 का हिस्सा बन के एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस यू आर फेसिंग, एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर यू आर फीलिंग? चैलेंजेस में यार ज़्यादा, मैं नसीब में बहुत बिलीव करता हूँ, नसीब से ज़्यादा और नसीब से पहले कुछ नहीं मिलता। तो हर शो की भी डेस्टिनी होती है, हर इंसान की तो होती ही है, तो इस शो की जो डेस्टिनी में है वो मिलकर रहेगा और बस, लेकिन दिल से दिल का जो कनेक्शन है वो बने और वो आगे बढ़े, वो दुआ है। बाकी जो होना है वो किस्मत में, वो तो वैसे ही जाएगा। नहीं, बस मुलाकातें हुई, अभी हम मिले हैं और आज आप लोगों के साथ ही इतनी बातें भी हो रही है, क्योंकि हम लोग मीटिंग में मिले थे, ब्रीफिंग में मिले थे, मॉक शूट में ये थे नहीं, तो हम लोगों का लुक टेस्ट था तो तभी भी ये थे नहीं, और मैं भी गोवा से अचानक आई हूँ, तो ऐसे अभी हम लोग का गेट टुगेदर हुआ नहीं, मिले नहीं, बट आई एम श्योर इनके साथ काम करके बहुत मजा आएगा और आप लोगों को इनको देखने में बहुत मजा आएगा। ओके, लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पहले सीजन में शक्ति थे उन्होंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया ही था और आप लोगों ने प्यार दिया भी था, किसी कारणों की वजह से वो नहीं कर पा रहे और मुझे मेकर्स ने चुना है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छा काम करूँ और आप लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकूँ, बस आपका प्यार बना रहे। मैं यहाँ पर अपना ट्रैवलिंग छोड़ कर आई हूँ, तो मुझे एक उम्मीद है कि जितना प्यार पहले सीज़न को मिला है आप लोगों ने दिया है, सीज़न टू को भी आप उतना ही देंगे, तो मुझे बहुत उम्मीद है और बहुत कॉन्फिडेंट है अंदर से, क्योंकि टीम बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आप लोगों का प्यार है, तो आई एम श्योर ये शो रॉक करेगा। ओके सर, पहले तो कंग्रेचुलेशन, वापस से सज्जन सिंह को देखने का मौका मिलने वाला है जनता को, क्या कहना चाहेंगे? मुझे भी अच्छा लग रहा है और फिर से एक बार नई शुरुआत और अच्छा मनोरंजन करके दे सकूं दर्शकों का, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि रिपीट टेलीकास्ट को भी उन्होंने बहुत तवज्जो दी है, तो और उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकगण इसको भी अच्छी तवज्जो देंगे। सर, वापस से सेट पे आके प्रतिज्ञा के पूरी कास्ट से मिलना कितना ओवरवेलमिंग था? हाँ, लगता है जैसे हम परिवार हमारा बिछड़ गया था, अब हम अपने फिर से परिवार में आ गए हैं और हमारे परिवार में बढ़ोतरी हुई है, हमारे नाती पोते हो गए हैं, तो सज्जन सिंह अब और दबंगई से आगे बढ़ेगा। सज्जन सिंह ऐसा किरदार है जो अभी भी लोगों के जहन में है, फैंस अभी भी आपके कितने डायलॉग्स जो हैं आए दिन दोस्तों के बीच में या कहीं भी हो बोलते ही रहते हैं, ये उनकी कृपा है। लाइक 15 मार्च से आने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? बस यही कि भैया हमारे जितने दर्शकगण हैं इसको पूरी शिद्दत के साथ देखो, और हम मनोरंजन करने के लिए आ रहे हैं, आपका मनोरंजन करेंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, एक और करना है, दो क्वेश्चन।